सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लों एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुरखियां ते। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान को किया गया गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी मौके अल कादर ट्रस्ट मामले में की गई खान की गिरफ्तारी। जलंधर जिमनी चोण लई वोटिंग भलके सियासी पार्टियां दरमियान सख्त मुकाबला। डीजीपी पंजाब ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों का किया दावा। श्री दरबार साहब नेड़े हैरीटेज स्ट्रीट उत्ते दोहरे धमाके की जांच लई पहुंची एनआईए की टीम। वड्डे खुलासे होने की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक रेंजर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया। पीटीआई के चेयरमैन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहरों रेंजर ने अल कादर ट्रस्ट केस में हिरासत में लिया। दरअसल नैशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब ने उन्होंने वार बार नोटिस जारी किए सन पर वह पेश नहीं हुए। तो इस मामले में अज खान को हिरासत में ले लिया गया। दस दिए कि इमरान खान अपने विरुद्ध कई एफआईआर में जमानत लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए सन। पेशी दौरान उन्होंने नैब के बिहाफ उत्ते रेंजर्स ने एक कैबिन के शीशे तोड़ के हिरासत में ले लिया। तीनों ब्लैक विगो में बिठा के अणदसी थां उत्ते लिजाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी मौके हुई धक्कामुक्की में उन्होंने एक वकील भी जख्मी हो गया। दस दिए कि पेशी तो पहला इमरान खान ने वीडियो बनाई सी जिस में उन्होंने गिरफ्तारी की शंका जाहिर की सी। जलंधर जिमनी चोण लई वोटिंग भलके होगी। भलके होने जा रही जलंधर लोग सभा जिमनी चोण लई भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कांग्रेस वालों करमजीत कौर चौधरी, आम आदमी पार्टी वालों सुशील रिंकू, श्रोमणी अकाली दल वालों सुखविंदर सुखी और बीजेपी वालों इकबाल सिंह अटवाल चोण मैदान में ने। जलंधर के 9 विधानसभा हल्के 1972 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। भलके वोटिंग होगी तो नतीजे का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। जलंधर लोग सभा जिमनी चोण के मद्देनज़र पंजाब पुलिस ने स्वतंत्र निरपक्ष शांतिपूर्ण चोणों संभव बनाने सूबे भर में सुरक्षा वधाई है। जलंधर लोग सभा जिमनी चोण संबंधी डीजीपी पंजाब ने लुधियाना में कहा कि चोण लई अर्धसैनिक बलों दी 60 कंपनियों के अलावा सूबा पुलिस भी तैनात है। किसी भी शरारती अंसर को सूबे का माहौल खराब नहीं कर दिया जाएगा। असी जलंधर इलेक्शन लई बहुत ही इलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 60 कंपनियां डिप्लॉय की गई है। असी पंजाब के जलंधर के पीसफुली इलेक्शन करावांगे। असी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है वो सील करते हुए है। इलेक्शन कमीशन की सारी हिदायतों की पालना करते हुए पीसफुली इलेक्शन कराई जाएगी। श्री दरबार साहब के नेड़े हैरीटेज स्ट्रीट उत्ते दोहरे धमाकों की जांच हुण एनआईए की एक टीम कर रही है। टीम ने पुलिस अधिकारी नाल मीटिंगां करन तो इलावा फोरेंसिक जांच टीमों तो वेरवे लए ने। इस दौरान पुलिस सूत्रों के हवाले नाल खुलासा होया कि हैरीटेज स्ट्रीट उत्ते हुए दोहरे धमाकों में वरते गए विस्फोटक 250 मिलीलीटर के हिल नाम के कोल्ड ड्रिंक में पैक किए गए सन। पुलिस सूत्रों ने दसा कि अजिहा जापदा है कि जदों कैन उचाई तो हेठां डिगा जां सुट्टिया गया तो यह धमाका हो गया। अधिकारी ने दसा कि पहली घटना में विस्फोटकों नाल भरे एक कैन नाल तार जुड़ी हुई सी जिसनों कंध उत्ते सुट्टिया गया सी। दी ट्रिब्यून की रिपोर्ट मुताबिक पुलिस ने इस घटना नाल संबंधित एक व्यक्ति की पहचान की है जिसने अणजाणे विच तार खिंची और कैन थले डिग गया जिस कारण यह धमाका हो गया। अमृतसर में बीते दिन हुए दो धमाकों तो बाद पंजाब पुलिस पूरी तरह चौकस हो गई। अज पुलिस वालों सूबे भर में वड्डा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिस दौरान गलबात करदे डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने लुधियाना में कहा कि पिछले दिन अमृतसर में हुए दो धमाकों संबंधी किसी भी तरह के अत्तवादी एंगल तो इनकार नहीं किया जा सकता। लुधियाना बस स्टैंड की जांच लई पहुंचे डीजीपी ने पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। किसी ने भी सूबे के हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक की कथित वीडियो को लेकर बनाई गई SIT बारे उन्होंने कहा कि कानून तहत जांच की जाएगी। आज पंजाब पुलिस वालों स्टेट वाइज ऑपरेशन विजन किया जा रहा है जिस दे विच एक मल्टी प्रोंग चेकिंग से एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। असी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चैकिंग, पब्लिक प्लेसिस बाजारा की चैकिंग, नाके लाके बैंकिंग की चैकिंग की जा रही है। अर्ली मॉर्निंग होटल सरावा की चैकिंग की जाएगी। सो एक स्टेप वाइज वेरियस फेजिस के असी ऑपरेशन 2 दिन तक करा टुडे एंड टमोरो। सीनियर ऑफिसर्स जो पंजाब पुलिस के है ADGP IG रैंक के ऑफिसर्स असी डिस्ट्रिक्स अलॉट किए हैं सो दैट हर डिस्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर्स इस ऑपरेशन आप सुपरवाइज कर रहे हैं। द मेन एम इज़ टू फोल्ड। एक जो एंटी सोशल एलीमेंट्स है
उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। असी देखा कि अचनचेत चैकिंग रिकवरीज होंगी है, काफ़ी कुछ साढ़े हाथ में लगता है। तो सैकेंडली पब्लिक के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पुलिस की जी मूवमेंट हैगी, पुलिस की एक्टिविटी तो जोड़ा एक प्रेसर हैगा वो असी मेनटेन करना चाहते। मैं मैसेज देना चाहता कि पंजाब अमन तो शांति को बरकरार रखने ली जरा भाईचारा हैगा उस तो बरकरार रखने ली पंजाब पुलिस पूरी तरह तो कमिटेड हैगी। वी विल मेनटेन दी हार्ड अर्नड पीस इन पंजाब। यह जरा अमृतसर इंसीडेंट होया इसनों असी पूरी तरह डीपली इनवैसटीगेट कर रहे हैं। जब मैं कल अमृतसर गया उ भी मैं दस्या कि सानू हजे तक उत्थे कोई डेटोनेटर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली है। साड़ी फोरेंसिक टीम जाँच कर रही है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो लगता है इट इज़ अ लो एक्सप्लोसिव। असी सारे एंगल्स तो जांच कर रहे हैं, असी एज पर लॉ एंड डायरेक्शंस असी अपना काम करेंगे। लॉ विल टेक इट्स कोर्स, कोई टाइम आउट नहीं है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। पंजाब के DGP गौरव यादव के निर्देशों उत्ते पंजाब विच दो रोज़ा विजिल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके चलद बटाला विच IGP बलजोत सिंह राठौड़ और SSP बटाला अश्विनी गोटियाल वालों पुलिस पार्टियां समेत शहर में फ्लैग मार्च कढ़ाया गया, जिस तो बाद इस ऑपरेशन तहत शक्की थावां ते घरां विच छापेमारी करके बरीकी नाल तलाशी की गई। पुलिस अधिकारी ने दसा कि पंजाब के वख जिलों में ऑपरेशन के तहत दो दिन कार्रवाई की जाएगी। ये डायरेक्शन ने कि पूरा विजाइल ऑपरेशन करना, तो सारे पासे ही अफसर भेजे ने, जिमें मैं आया अपने एरिए तो ठीक है, तो साड़ी कोऑर्डीनेशन है पूरी साड़ी फोर्स की SSP मैडम अश्विनी कोटवाल तो IPS तो शी एक पूरा ये भी सुपरवाइज कर रहे हैं, जिमें हुक्म है सानू उवें ही फोर्स नू असी एड्रैस किया। तो सानू उम्मीद है कि साढ़े दो दिन जिहड़े ने अज रात का अज सवेर का कल सवेर का शाम तक चलना है काम। सारे पासे सारे सारे अपने जिले के जिहड़ा बटाला एरिया जिन्ने भी साढ़े थाने ने जिन्नी साड़ी चौकियां ने सारे एरिया नाकेबंदी भी सारी है जी। कोई कितनी है जी अपनी अराउंड हाँ नाके जड़े ने साडे इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है, साडे कोऑर्डीनेशन हैगी BSF दी, उन्हां नाल भी कोऑर्डीनेशन दी मीटिंग हो चुकी है ठीक है। तो इन कोऑर्डीनेशन तो फिर साडे होर स्पैशल नाका भी है, टैक नाका भी है, बसों के भी चैकिंग करनी है, सारे पास करनी है, रेलवे स्टेशन से भी करनी। पंजाब पुलिस वालों सूबे भर में समाज विरोधी अंसर विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम तहत फिरोजपुर में भी विशेष सर्च अभियान चलाया गया। SSP भुपिंदर सिंह की अगवाई में पुलिस ने जिले में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन समेत वख-वख थावां ते सर्च की। इस दौरान शहर के वख-वख थावां ते विशेष नाकेबंदी करके वाहनों की भी चैकिंग की गई। इस मौके DGP रैंक के अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने इस मुहिम की अगवाई की। DGP साहब वालों जी लगातार जी क्रिमिनल के खिलाफ माड़े अंसर के खिलाफ जी मुहिम है उसनों अगे तोरते हुए ऑपरेशन साढ़ा एक हूँ अज कर रहे हैं स्पैशल ऑपरेशन जिद असी कई जड़िया अपना संवेदनशील जगह बस स्टैंड रेलवे स्टेशन होर भीड़ भड़के वाले जो इलाके है बाजार मार्केट्स मॉल्स उत्थे असी चैकिंग पूरी इंटेंसिव चैकिंग कर रहे हैं। तो जिस दे विच इसकी गंभीरता देख सकते हैं भी सीरियसनैस कि भी मानयोग स्पैशल DGP श्री JK जैन साहब वो भी सच सच में सुपरवाइज करना आए सन पेंट करने वास्ते आए हुए हैं। तो इवें ही सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच भी सीनियर ऑफिसर्स वालों सुपरवाइज हो रहा है ये ऑपरेशन, तो जिदे विच साडी असी जो माड़े अंसर के खिलाफ जी मुहिम इस दौरान जी चलाई हुई है यदि इंटेंसिव चैकिंग होगी माड़े अंसर असी सुनेहा देवे भी कोई भी जी माड़ी हरकत नहीं की जा सकती। पुलिस में सतायद है असी अलर्ट हैं, तो जनता जेडे भले मानस जे सारे शहरी है इलाके के निवासी है वो भी साढ़े नाल है, तो असी सारे नाल मिल के आप जो क्रिमिनल्स कोई भी उन्होंने माड़े मनसूबे कामयाब नहीं। पटियाला भी पुलिस वालों SSP वरुण शर्मा की अगवाई रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पटियाला घेराबंदी और तलाशी मुहिम चलाई गई, जिस विच वड्डी गिणती में पुलिस मुलाजमान ने शमूलियत की वख-वख थावां उत्ते मुस्तैदी नाल चैकिंग की। पटियाला तो साडे पत्रकार अमरजीत सिंह ने SSP नाल विशेष गलबात की है।
देखो मानजोग डीजीपी पंजाब दे दा मुताबिक पूरे सूबे चो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इहदे कई हिस्से होंदे आ जिवें कल भी असी फ्लैग मार्च कढ़िया सी, अज असी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ते मार्केट एरिए दा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करांगे, दोबारे फ्लैग मार्च कढ़ांगे। उस तों अलावा जिहड़ी भी इंटर स्टेट ते इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी हैगी उह भी बड़े पुख्ता तरीके नाल असी मुकम्मल कीती होई। इस तरह ट्रेनां दी गल कीती जावे जिहड़ियां आउंदियां ने उहनां दी चैकिंग कीती होगी, बस स्टैंड दी गल कीती जावे, बसां दी भी चैकिंग कीती जावे। देखो असी 8 टीमां इत्थे बणाईआं ने, 200 तों वध मुलाज़िम ने, चंडीगढ़ तों ADGP रैंक अफसर आ के इहनूं सुपरवाइज़ करनगे। असी बेसिक मकसद यह है कि कोई भी अनसुखावी जिहड़ी घटना उहनूं पटियाले च अंजाम ना दित्ता जा सके। तुहानूं की अपील करना चाहुंदा खास तौर ते सहयोग नूं लैके? देखो पब्लिक नूं मेरी यही अपील आ कि कोई भी अफवाह ते भरोसा करन तों पहलां एक वारी उहनूं साडे कंट्रोल रूम तों जरूर वेरीफाई कराया जावे, ते जेकर कोई शरारती अते क्रिमिनल अंसर कोई अनपछाता कोई निगाह च आंदा आ ते उहदे बारे सानूं जरूर इतलाह कीती जावे। गुरदासपुर विच वी सुरक्षा प्रबंधां नूं मुख रखदिआं ऑपरेशन विजल चलाया गया। ऑपरेशन विजल संबंधी जानकारी दिंदिआं SHO सिटी गुरदासपुर ने दस्सिआ कि ऑपरेशन विजल तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन अते होर थावां दी चैकिंग कीती गई तां जो कोई अणसुखावी घटना ना वापर सके। फिरोजपुर तो कोई दूरी उत्ते पिंड आरफके विखे विवाद नूं लैके दो धिरां विच लड़ाई होण दी खबर सामने आई है, जिस दी एक वीडियो भी सामने आई है जिस विच एक शख्स दूजे उत्ते फायरिंग करदा नजर आ रहा है। इस घटना विच कई लोग जख्मी होए ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरसिख नौजवान मुकाबला प्रीख्यावान की तैयारी करवाने खोले गए निश्चय प्रशासकीय सेवावान सिखलाई केंद्र के पहले बैच वास्ते 11 विद्यार्थियों की चोण कर ली गई है। इस अकैडमी में चुने गए विद्यार्थियों दीसा रिहायश खाने का प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया जाएगा। बीते दिन अंदर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अंतरिम कमेटी की एकत्रता दौरान अकैडमी स्थापित करने का फैसला किया गया, जिस तहत हर साल 25 गुरसिख विद्यार्थियों IAS IPS IFS ਅਤੇ PPSC ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।